नमस्कार दोस्तों, आजकल ना जैसे कि मैं अपने टेरेस गार्डन पे सफाई कर रही हूँ थोड़ा बहुत, और प्लांट्स को पॉट्स को अरेंज कर रही हूँ, इधर उधर सब शिफ्ट कर रही हूँ। तो मुझे कल जैसे क्या हुआ, सफाई करते करते एक सैपलिंग मिल गई मार्गरेट डेजी की। तो ये डेजी का ही एक वेराइटी है, मैं उसका फूल जो है ना आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। तो वो सैपलिंग है और बीज से बहुत आसानी से लग जाती है। इस समय भी अगर आप लगाना चाहो लगा लीजिए, और बहुत आराम से ये मार्च तक खूब चलती ये है। है इसको, चलिए मैं निकालती हूँ। और मुझे ये ना इस लंबा होता है, मतलब ये इसका जो जैसे पिटूनिया होता है या गुलदावरी, मतलब गुलदावरी तो नहीं, या वो होता है ना शॉर्ट में होता है, पिटूनिया फैलते हैं वैसे, या वर्बीना, मतलब इस टाइप के। लेकिन ये हाइट में जाता है, जैसे आपका डहेलिया हाइट में लंबाई में पड़ता है ना, तो इस वजह से इस मतलब प्लेट से, इस वाली से मैं निकाल ले रही हूँ, दूसरी लगा दूंगी जिससे ये मुझे मुझे देखिए ये फ्री में बिल्कुल मिल गया। फ्री क्या कहा जाए, ये देखिए। और ये टूटो नहीं भाई, तो इसको लगा देती हूँ। इसके बीज गिर गए थे, ये मुझे लग रहा है ये भी ज़्यादा ही छोटू सा है, ये अब नहीं लग पाएगा। इसको अभी इसी में ऐसे कर दे रही हूँ, अगर लगना हुआ तो लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी इस वाले को भी कोशिश करती हूँ निकाल लेती हूँ। और जो इसकी मिट्टी बनती है ना, बहुत वेल ड्रेन बनती है, मतलब इसकी मिट्टी में थोड़ा सैंड जो है वो अच्छे से रहता है। इसकी मिट्टी को पानी रुके ही ना, मतलब इसको मॉइस्चर नहीं पसंद है। जैसे बहुत से इसी में ही लगा दे रही हूँ तीनों। और जो भी प्लांट जैसे ना लंबाई में बढ़ते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा वैसे गमले की ज़रूरत नहीं होती है, चौड़े चौड़े गमले की। जैसे जैसे मान लो पिटूनिया है, तो पिटूनिया को तो अगर लगाते तो एक ही इतने बड़े गमले में लगता, लेकिन इसका ये है कि लग जाएगा। और मिट्टी बस ये मेरी देखो रखी हुई है, इसमें गोबर खाद मिलाऊंगी और बस लगा दूंगी। देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला जो है, एक सेकेंड इसको इधर कर दूँ। ये देखिए इसमें कितने एक एक वो नहीं लगा हुआ है, कितना सारा लगा हुआ है ये कॉस्मस। देखिए करीब इधर से मैं देख रही हूँ 5 कॉस्मस लगे हैं, और पांचों के पांचों इतने अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे कितने सुंदर से है ना, ये देखो। तो ये हो गया, बाकी इधर भी सब जो कॉस्मस देखिए लगाए, क्योंकि ये ना लंबाई में है। ये वही थे जो मैं 1-1 रुपए वाले लाई थी, ये देखिए। अब आप इधर देखिए कितने, हालांकि ये छोटा पॉट है, अब इसमें इतने सारे लगा तो दिए हैं, और सब देखिए सब में वो निकले हुए हैं फूल, कली निकल रही है। पर ये है कि ये थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया, इसलिए इनकी देखिए हाइट भी थोड़ी सी कम है, और ये जो है ना नाटे ही रह गए इनकी, मतलब इनकी हाइट बढ़ नहीं पाई, और इनको थोड़ा सा जगह इस वाले गमले में ज़्यादा मिल गई इसलिए बढ़ गए। बस देखिए अब इस समय जो है ना, मैं ज़्यादा इनको नहीं लगा बगा रही हूँ, जो थोड़ा बहुत संभालना। अभी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो फिर इनको संभालने की, मेरे यहाँ जैसे धूप बहुत है ना, धूप बहुत आती है मेरे यहाँ, मतलब अडेनियम के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। मेरी छत अडेनियम के लिए बहुत अच्छी है, आपके इसके लिए बोगनवेलिया के लिए बहुत अच्छी है, धूप पूरी रहती है। और आप समझो कि जेड प्लांट, इतने जेड प्लांट है क्योंकि धूप धूप जो है ना, बाकी मुझे जो ये विंटर के हैं फिर उन्हें बचाना पड़ता है। मैं बस देखो मिक्स नहीं किया, क्योंकि ये बड़े बड़े थोड़े टुकड़े थे। अब जो बड़े बड़े वाले गोबर की खाद वाले टुकड़े हैं ना, उनको तो उनका तो लिक्विड बनाऊंगी, और उसका लिक्विड बड़ा अच्छा सा एक मैं तैयार करती हूँ, मैं आपको वो शेयर करूँगी, उसका कंपोस्टिंग। उसमें क्या होगा ना कि आप उससे मतलब वो भी कर लोगे, एक तो खाद की तरह तो इस्तेमाल करेंगे ही आप, उसके साथ आप पेस्टिसाइड की तरीके से भी इस्तेमाल कर लेंगे ये जो है। चलिए मैं इसको पॉज करती हूँ, बस सर इसको हम लगाते हैं। ये देखिए इसकी जड़ें कितनी अच्छी हो रही हैं। तो ये अभी अभी ये मतलब बेचारे को जगह वो तो मिल नहीं रही थी हाइट के लिए बढ़ने के लिए, तो ये ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था। ये भी देखो सब, ये सबकी यही हालत थी, इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था मुझे। अब दो ही हो जाए वही बहुत है, चलो इन्हें भी लगा देती हूँ, इनका मन होगा तो ये लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बस भर के, और पानी दे देना है, पानी ऐसे देना है धीरे धीरे करके,
ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, उसके बाद अब इसको ना थोड़ी जब मिट्टी लगेगी कि हाँ सूखी सूखी सी, उसके बाद ही पानी देना होगा इसको, बहुत पानी चाहिए नहीं होता है। और ये आपको बताऊँ बहुत मतलब अप्रैल अप्रैल तक तो आराम से ये खूब खिलता ही खिलता है, तो अब की बार जब होगा ना तो फिर मैं इसके सीड कलेक्ट करके रखूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये। पीछे बैक साइड में जैसे आप इसको लगा दो, आगे छोटे छोटे से छोटे वाले प्लांट लगा दो फूल के, और ये पीछे के साइड में, तो ये बड़े सुंदर लगते हैं। अब इसमें पानी चलो दे देते हैं, फिर ये नीचे और मिट्टी बैठ जाएगी। देखा ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मिक्स विक्स भी नहीं किया, है ही नहीं इसको ज़रूरत फालतू में। ऐसे ही में कि पौध अगर आपको मिल जाए ना तो आप पौध भी ले लेना, पौध आजकल मिल जाएगी ये बारी बाहर वहाँ पे जहाँ पर ना दस, जो मैं लखनऊ वालों से बोल रही हूँ वहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा, आप लगा लेना, बहुत अच्छा प्लांट रहता है ये। तो ठीक लगता हो वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कुछ पूछना हो किसी और उस पर वीडियो का लिए तो बताइएगा। मैं का पेस्टिसाइड बहुत बढ़िया पेस्टिसाइड है वो मैं आपको बताऊंगी, वो काफ़ी अच्छा है, आप आराम से घर में बना सकते हो।